और सारा उसमें जो एक्शन प्लान है कि हमारी जमीन कहाँ जाएगी, हमारे प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएंगे, हमारी बिल्डिंग कहाँ जाएगी, हमारी व्हीकल्स कहाँ जाएगी, हमारे ट्रैक्टर ट्राली कहाँ जाएंगे, ये सारा उसमें दिशा निर्देश जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल ने सभी को दे दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये सारे जो हमारे पास एसेट्स हैं जो मूवेबल और इमूवेबल चल और असल अचल जो जितनी भी संपत्ति हर मिलिट्री फार्म के पास है वो 14 अक्टूबर तक वहाँ जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है, स्टेशन हेडक्वार्टर है, जीओसी है, सब एरिया है, उनको वो हैंड ओवर कर देने हमने 14 अक्टूबर तक। जमीन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, ट्रैक्टर ट्राली, सभी चीज जितनी भी है वो सारी टेक ओवर कर लेगी आर्मी आपकी 14 अक्टूबर 2017 तक। बाकी रहे मैन पावर, आदमियों का जो बात है, जो पक्के कर्मचारी हैं चाहे वो आर्मी के ऑफिसर हैं उनके लिए आदेश पारित किए एमएस ब्रांच से दूसरी यूनिटों में, दूसरी जो फोर्स की कोरे हैं उसमें वो जो हमारे ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं या दूसरे मेजर लेफ्टिनेंट और दूसरे जो रैंक के अधिकारी हैं वो आर्मी में दूसरी यूनिटें और कोर में चले जाएंगे। मिलिट्री फार्म के जो परमानेंट कर्मचारी हैं चाहे वो ग्रुप बी है, नॉन गस्टेड है, गस्टेड है, ग्रुप सी है और या ग्रुप डी है, वो सारे कर्मचारी एजी ब्रांच के थ्रू एडजुटेंट जनरल की एक शाखा सरप्लस सेल खोला हुआ है उसके माध्यम से आर्मी की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, एमबीएस है, सप्लाई है, ऑर्डिनेंस है और भी जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, ईएमई वर्कशॉप हैं, जितने भी दूसरे डिफेंस के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सभी पक्के कर्मचारियों को उनमें सरप्लस डिक्लेयर कर और इनसे च्वाइस स्टेशन पूछकर जहां जहां ये जाना चाहते हैं उनको 14 अक्टूबर 2017 तक उनको वहां पर तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो हजारों की संख्या में हमारे यहाँ दैनिक मजदूर जो काम कर रहे हैं, दिहाड़ीदार जो हमारे काम कर रहे हैं हर फार्म पर, जहां तक अंबाला का संबंध है, इस समय 250 आदमी अंबाला में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जो कि पिछले 30-30 साल से लगातार काम कर रहा है। इसी तरह मेरठ में भी 250 करीब होंगे, इतने ही होंगे कम से कम, जो कि 20-30 सालों से काम कर रहा है। हर फार्म की आप स्थिति अगर उठा के देखेंगे तो सभी फार्मों पे ऐसा मिलेगा, जो 14 फार्म अभी बंद हो गए हैं, जो 14 फार्म अभी बंद हो चुके हैं 14 अगस्त तक बंद हो चुके हैं, उसका एक प्रतिनिधि हमारे पास भी आया है, झाकड़ साहब आया है, योल बंद हो गया, हमारे वेस्टर्न कमांड में डक्सा ही बंद हो गया, आपकी सेंट्रल कमांड में रानीखेत बंद हो गया और एक उनका मऊ बंद हुआ है और एक ग्वालियर बंद हुआ है, इसी तरह बाकी जो 14 फार्म बंद हो गए हैं उनमें भी सैकड़ों की संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे थे। पक्के आदमियों को तो उनको एडजस्ट कर दिया, लेकिन इन कच्चे कर्मचारियों को किसी को भी नोटिस तक नहीं दिया। सरकार का नियम है, लेबर लॉ, श्रम कानून बने हुए हैं भारत सरकार के, पार्लियामेंट के बने हुए हैं, जिसमें क्लियर कहा गया है किसी भी कर्मचारी को हटाना चाहे दिहाड़ीदार भी क्यों ना हो उसको 3 महीने का रिट्रेंचमेंट नोटिस देना है। 3 महीने का नोटिस नहीं देते तो तुरंत आज से बैठाना है, तो 3 महीने की नोटिस के एवज में उसको तनख्वाह देनी है आपने, और जितने सालों की उसकी नौकरी उसने कर ली है उसका हर एक साल के ऊपर 15 दिन का कंपनसेशन देना है, जिसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। ये 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लियर बना हुआ है, 1947 का भारत सरकार का कानून पास हुआ है, 1972 का पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पास हुआ है, 1972 का ग्रेजी नोट कर ले डेली लेबर, 1972 का ग्रेच्युटी एक्ट पास किया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जितने साल की वो नौकरी करता है और नौकरी में या तो रिटायर होता है या उसको रिट्रेंच किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, तो जितने साल की नौकरी है उसको 15 दिन की एक साल की नौकरी के ऊपर 15 दिन की तनख्वाह, मान लो 30 साल की नौकरी है तो 15 दिन की ग्रेच्युटी और 15 दिन की रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो हमें रिट्रेंच करके भेजा गया है, तो 30 साल की नौकरी है तो 30 महीने की तनख्वाह का कंपनसेशन जिसकी 30 साल की नौकरी है उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को देना चाहिए रिट्रेंचमेंट करने से पहले। लेकिन जो 14 फार्म बंद किए गए हैं इन श्रम कानूनों की, इन लेबर लॉज की बिल्कुल आर्मी ने अवहेलना करते हुए किसी को नोटिस दिए बिना उनको सबको घर बैठा दिया। बाकी जो हमारे 25 फर्म बचे हैं 39 में से उनके साथ भी यही होने जा रहा है, क्योंकि एक मुश्किल से 1 महीना रह गया है, आज तक किसी को नोटिस नहीं मिला है, ना किसी को ये नोटिस देंगे, ना किसी को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देंगे, ना 1972 की एक्ट के मुताबिक ग्रेच्युटी का जो प्रावधान है वो देंगे।
सबको सूखा ही घर भेजने पे लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में ऐसे हमारे कर्मचारी हैं और खास तौर पे उन लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। सिर्फ एक घंटे लगा है, पक्के आदमी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, कोई दुख नहीं है, अफसर अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ बहुत भारी अन्याय, इनके साथ घर से बेघर हो जाएंगे, नौकरी जो मिली 33 साल से वहां से वो सड़क पे आ गए हैं, और जो इनको कानून के हिसाब से जो हमें एंटाइटलमेंट, जो हमें सुविधाएं जो भारत सरकार देती है, वो भी आर्मी के लोग मिलिट्री फार्म के डिपार्टमेंट इनको देने को तैयार नहीं है। मेन कारण आप लोग इकट्ठा होने का यही कारण है। दूसरा जो अहम कारण है उसको मैं जो छूना चाहूंगा, बहुत से प्रवक्ता है यहाँ पे, अपने अपनी बात रखेंगे। दूसरी जो बात में कहूंगा, जो एनिमल का डिस्पोजल बहुत दर्दनाक, उस बात को भी हम उठा रहे हैं। जो गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं घरों में, जिसकी सेवा करते करते हमारी दो दो तीन तीन पीढ़ियां हो गई हैं, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, दो दो तीन तीन पीढ़ियां इन लोगों की हो गई हैं, आज भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन अपने गौ प्रेम और फार्म प्रेम, आप लोगों के प्रेम के कारण ये लोग हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, जो आर्मी ने पीछे भी अंबाला में हमने 6 तारीख को एक बड़ा भारी प्रदर्शन निकाला था, उसमें भी इन दोनों मांगों का हमने जिक्र किया था, और उसमें प्रमुखता से सारे अखबारों में भी छपा था। वो जो भारत सरकार ने और खासतौर पे हमारे आर्मी वालों ने जो जानवरों की निस्तारण जो नीति, इनके जो डिस्पोजल की नीति है, आदमी की डिस्पोजल की नीति तो मैंने बता दिया, पक्के आदमी की, अफसरों की, ग्रुप बी की, ग्रुप ए की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, पक्के आदमी की सबकी एडजस्टमेंट होगी, डेली लेबर की कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी प्रकार गौ माता की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आज की डेट में हमारे पास 25,000 जानवर 39 फार्मों में है, 2,500 की संख्या इस समय अंबाला में है, और शायद इतनी ही संख्या मिल्ट्री फार्म मेरठ में भी होगी। कुल मिला के 25,000 जानवर हैं, और हाईब्रिड का साहिवाल नस्ल का जानवर है, एक एक जानवर 25-25, 30-30 किलो दूध देता है। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज मैनर में संगठित क्षेत्र से हम चला रहे थे इसको, और उसके डिस्पोजल की नीति आज सरकार के पास नहीं है। एक लाइन में उन्होंने डिस्पोजल की नीति बताई है, ये जानवर कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री का एक पशुपालन का विभाग होता है भारत सरकार का, उसमें जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के इसी तरह एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जाएंगे, एक ICR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो खोज करता है, उसमें लिखा है कि ये बाकी जानवर उसमें चले जाएंगे, बाकी लिखा है जो गवर्नमेंट ओन्ड, जो भारत सरकार की गौशालाएं हैं, काउ शेल्टर्स हैं, बाकी जो जानवर है काउ शेल्टर में दे दिए जाएंगे, बाकी जो जानवर बचेंगे उनको कंडम करके, सारे अधिक से अधिक जानवर कंडम करके उनको आसपास की गौशाला में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये डिस्पोजल की जो पॉलिसी भारत सरकार की जानवरों के प्रति है, जिसके प्रति ये कहते हैं जी हम तो गौ रक्षक हैं, हम एक अभी कल मैं सुन रहा था मोदी कैबिनेट का रिशफलिंग हुई है, नए नए मंत्री बनाए गए हैं, उसमें भी बात आई कि एक गौ मंत्रालय भी बनाने की बात उठी, कि एक गौ मंत्रालय भी बनेगा, जैसे गंगा के लिए एक सफाई एक मंत्रालय बना है, सफाई अभियान जो मोदी जी का उसके लिए सफाई एक मंत्रालय बना है, गौओं के लिए भी भारत सरकार एक मंत्रालय की बात चला रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, मिलिट्री फार्म ऑर्गेनाइजेशन जो कि 128 साल से चल रहा है और ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, भारत के संविधान की धारा जो आर्टिकल है वो 48 बताना चाहूंगा, क्लियर लिखा है संविधान, हमारे जो हिंदुस्तान का जो संविधान है उससे बड़ा हमारे देश में कोई कानून नहीं है। संविधान के आर्टिकल 48 में क्लियर लिखा हुआ है, ये हर स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी दी गई है उसमें, कि जानवरों के प्रति और खेती बाड़ी के प्रति उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको चलाना है, जानवरों को भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, उनकी ब्रीडिंग पॉलिसी, उनके रख रखाव, उनकी देख रेख,
ये सारे ऑर्गेनाइज तरीके से रखी जाएगी। ये संविधान में जो 1947 में 1950 में हम लोगों ने अडॉप्ट किया भारत सरकार ने, उसमें लिखा आर्टिकल 48 में, उस धारा की, उस आर्टिकल की, उस अनुच्छेद की अवहेलना करते हुए जो हम ऑर्गेनाइज तरीके से और पिछले 128 सालों से इस डिपार्टमेंट को चला रहे थे, जैसे कि मेरठ वाले हमारे भाई साहब ने बताया कि पहले 125-152 मिलिट्री फार्म हुआ करते थे, टूटते 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 आज की डेट में सिर्फ 39 रह गए हैं। अब 39 पर भी एक ही बार हथौड़े का प्रहार पड़ा और सारे के सारे 39 भी बंद हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि संविधान की धाराओं को भी अवहेलना करते हुए ऐसा ये डिसीजन लिया गया। दोस्तों, जैसे कि पॉलिसी सरकार ने बनाई थी, आज की डेट में 2 महीने निकल गए डेडलाइन को, मुश्किल से 1 महीना बाकी है 14 अक्टूबर को आने में। किसी भी मिलिट्री फार्मों से एक भी हमारा जानवर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने लिया, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने लिया, ना किसी सरकारी गौशाला ने आकर हमारी कोई रिक्विजिशन दी कि हमारे को इतने जानवर चाहिए। किसी ने रिक्विजिशन नहीं दी, किसी भी मिलिट्री फार्म से एक भी जानवर का 2 महीने बीत चुके हैं, डिस्पोजल नहीं हुआ, सिर्फ 1 महीना रह गया। अब जिस चीज का हमें डर था वही होने जाएगा। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है आर्मी को भारत सरकार की तरफ से कि 14 अक्टूबर को ताले लगने हैं मिलिट्री फार्म में। आर्मी को निर्देश दे दिए यूनिटों में सप्लाई को कि 1 अक्टूबर से मिलिट्री फार्म का दूध नहीं लिया जाएगा। अंबाला में जहां तक हमारी सूचना है वहां 15 अक्टूबर को कह दिया है कि मिलिट्री फार्म से दूध नहीं लिया जाएगा। यूनिटों को आदेश पारित कर दिए हैं कि वो सप्लाई डिपो से या जो सोसाइटी है हमारी कोऑपरेटिव, वहां से दूध खरीदेंगे, तो हमारा दूध भी नहीं लिया जाएगा। और ये क्या होने वाला है कि 14 अक्टूबर के बाद ये भारत सरकार आदेश पारित करेगी आर्मी को कि इन जानवरों को ले जाके आसपास की जो गौशालाएं हैं उसमें छोड़ दिया जाए। गौशालाएं की आज की स्थिति क्या है, किसी भी गौशाला में एक भी जानवर रखने की स्थिति नहीं है। हर गली मोहल्ले, हर शहर में, हर सड़कों में कितनी गायें, कितने बछड़े और कितने सांड घूम रहे हैं, उनकी तो व्यवस्था है नहीं। हमारे 25,000 जानवरों को कोई रखने वाला नहीं है। दोस्तों, इन परिस्थितियों में ये सारा हमारा जो गौवंश है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये कसाईयों के हाथों बूचड़ खाने में ये कतल होगा। ये मैं कह रहा हूँ शुरू से, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ और वही सामने नजर भी आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आपके माध्यम से, आपकी जो आवाज है प्रेस के माध्यम से, CIS स्टाफ के माध्यम से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से, भारत सरकार के कानों में हम पहुंचाना चाहते हैं, मोदी सरकार के कानों में पहुंचाना चाहते हैं। अभी डिफेंस की हमारी डिफेंस मिनिस्टर, अभी कल महिला, प्रथम महिला डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी एलिवेशन हुआ, उनको पदोन्नति की है, उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। महिला होने के नाते आप सुनिए हमारी बातों को, इन परिवारों को देखिए जो दिहाड़ीदार ये कहां जाएंगे सड़कों पे, इनका सोचियो। दोस्तों, मैं अपनी बात बाद में करता हुआ कुछ बातें हैं, मैं बाहर गया।